जय हिंद दोस्तों। सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है। जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, सेना में भर्ती होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्लर्क के द्वारा किया जाता है, और ज़्यादातर गलतियाँ फैमिली के नाम या फिर बाद में बच्चों के नाम की स्पेलिंग्स में गलती हो जाती है। और हम तब ध्यान देते हैं जब हमें कोई वेलफेयर या रियायत लेते समय नाम वेरिफिकेशन होता है, और जब नाम हमारे डॉक्यूमेंट सर्विस डॉक्यूमेंट से अलग पाया जाता है तो हम उस फैसिलिटी को लेने से वंचित रह जाते हैं। यह गलती सर्विस में रहते या फिर रिटायरमेंट के बाद इस गलती में सुधार की जा सकती है, उसकी क्या क्या कार्रवाई होती है और उसके संबंध में क्या क्या जरूरी बातें हैं, उसके संबंध में लेटेस्ट लेटर केंद्रीय सैनिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2 मार्च 2022 को जारी किया गया है। इस लेटर में बताया गया है कि सर्विंग और एक्सेसमैन और उनके डिपेंडेंट के नाम बदली या सही करने के लिए बहुत से रिक्वेस्ट प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान में इस बदलाव के लिए नीचे लिखे गए डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले है एडवर्टाइजमेंट इन 2 लोकल न्यूज़पेपर्स, यानी 2 लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट चाहिए। दूसरा एफिडेविट, और तीसरा है गैजेट नोटिफिकेशन। इसमें बताया गया कि किसी भी एक्सेसमैन के सर्विस नेम में तब्दीली या एडिशन के लिए गैजेट नोट्स जरूरी है। कानूनी अड़चनों से बचने के लिए वर्ड्स के नाम बदलने के लिए पब्लिक की सूचना के लिए 2 न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है। सर्विंग और एक्सेसमैन के डिपेंडेंट का नाम बदलने के लिए गैजेट नोट्स जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो कि नाम बदलने के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट जारी किया गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।